तारीख को रेल रोको आंदोलन में शेर वामन में श्रम साहब का खुला ऐलान हो गया है, पूरे भारत का रेल मार्ग होगा। ये वंश दुनिया का व्यापी संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है और भारत का संगठन है, 31 राज्यों का संगठन है, 550 जिलों का है, 87 आपसूक संगठन चलते हैं। अगर आज के डेट में कोई आरएसएस को मात दे सकता है, यूपीएनडीए को मात दे सकता है, इस जालिमों का अंत कर सकता है, वो है बचाने वाला संगठन बाम से भारत मुक्त मोर्चा, जो खुला समर्थन दे रहा है राष्ट्रीय किसान मोर्चा। जिस तरह से आरएसएस का भारतीय किसान संघ है, उसी तरह बचाने वाला किसानों मजदूरों मजलूमों को बचाने वाला बाम से का जमीनी संगठन राष्ट्रीय किसान मोर्चा। ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा की बैनर तले ये आपके पंजाब के सरबजीत जी अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जर्मन में कर रहे हैं, सारे लोगों को पता है कि ये मोर्चा 36 राज्यों का बन गया है। आने वाले वक्त में इन जालिमों को हम लोग इस देश से खदेड़ कर छोड़ेंगे। ये धन धरती, ये भारत माता को बचाएंगे, धरती माता को बचाएंगे, भूमि बचाएंगे और फसलों का रेट निर्धारण करने का अधिकार किसानों का होगा। लेबर एक्ट खत्म करेंगे, किसान एक्ट खत्म करेंगे, शिक्षा नीति जो घटिया खत्म करेंगे, पर्यावरण का कानून खत्म करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु नानक, गुरु गोविंद जी, ये फिर साहू अम्बेडकर का भारत होगा, संतों महापुरुषों का भारत होगा, सोने का शेर भारत होगा। और सज्जाद निवानी साहब तो उम्र में शतक लगा चुके हैं, मजलूमों के हिफाजत में साथियों हैट्रिक लगा चुके हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं, सारे लोगों का, इस पूरे भारत के जो हमारे कमोरा लोग हैं, जिन यकीन करते हैं अपने कामों पर, उनका खैर मकदम करता हूँ। ना हल चलो चले कुदारी, हल चलन चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, पर जी यही है 3.5% शासक शोषक जाली जो पूरा तबाही मचाए हैं। अमेरिका का यहूदी, भारत का यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण और पार्सल, यही पूरे दुनिया में तबाही मचाए हैं। उनका वक्त आ गया है, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी तोमर काला कानून वापस लो, वापस लो। सज्जाद नवानी साहब जिंदाबाद, जनाब सज्जाद नवानी साहब जिंदाबाद, इस्लाम साहब जिंदाबाद। वक्त कीमती है, समय मूल्यवान है, जीवन बहुमूल्य है। हम जनाब हजरत मौलाना सज्जाद नवानी साहब को पीड़ा नहीं देना चाहते हैं, जो ये देशव्यापी जन आंदोलन को और विश्वव्यापी आंदोलन बनाने के लिए आज मंच पर विराजमान है। सिरसा जी हैं, तमाम हमारे सम्मानित लोग हैं, सामने बैठे हुए मजलूम भाइयों को राम सुरेश वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों इस किसान मजदूर एकता मोर्चा के समर्थन में इसे देशव्यापी विश्वव्यापी बनाने के लिए ये जो मोहन भागवत सोनिया के रिमोट से चलता है, आरएसएस का जो प्रमुख है 149 जेड प्लस कमांडो के साथ चलता है, वो रिमोट सोनिया से चलता है, आरएसएस कांग्रेस की लम्मा है। और मोहन भागवत के रिमोट से मोदी चलता है, मोदी के इशारे पर कैबिनेट चलता है, उसकी जो अपरन है छुड़ाने के लिए पूरे देश में भाईचारा बन गया है। और राष्ट्रीय किसान मोर्चा पंद्रह 200 गांवों में ये ईवीएम मशीन की अर्थी निकाल रहा है, पर्डे भारत के 7,00,000 गांव में, 36 राज्यों के 700 जिले में ये ईवीएम मशीन की अर्थी निकाल करके ग्राम पंचायत संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था में साथियों ये मोर्चा निकाला जाएगा। एक किसान मजदूर मजलूम एकता मोर्चा जो पांचों चल रहा बाड़े पर इसके समर्थन में, और चौपाल लगा करके 2 घंटे का पर्डे ये संबोधन होगा, और जला आक्रोश बढ़ा करके एक दिन साथियों इस देश में रेल मार्ग राजमार्ग तब तक बंद होगा जब तक काला कानून ये चारों जो महामारी लॉकडाउन में मोदी जी ने बनाया है वापस नहीं ले लेते हैं। अगर आपने ये फैसला न किया होता, अगर हमारे जत्थेदार
साथियों ने, बुजुर्गों ने ये जबरदस्त फैसला न किया होता कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, अब हमको बाहर निकलना होगा, अब हमको सड़कों पर आना होगा, अब हमको दिल्ली में रामलीला ग्राउंड तक जाना होगा, अब हमको घिराव करना होगा, हमको आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर आपने ये पहल न की होती तो हो सकता है अभी रात का अंधेरा और बहुत दूर तक चलता, लेकिन आपकी पहल ने लोगों के दिलों में ये उम्मीद पैदा कर दी है कि अंधेरा अब उसकी उम्र घट रही है और रोशनी के दिन करीब आए। मैं आपके इस मंच से तमाम जाट भाइयों और बहनों को भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि जाट भी एक बहादुर कौम का नाम है। आपने और जाट भाइयों और बहनों ने ख़ास तौर पर जब आपने ये बेड़ा उठाया और पहल की तो सारा देश जात और धर्म की तमाम बाधाओं को पीछे करके आपके साथ आ गया। इसलिए आप इस बारे में चौकन्ना रहिएगा, ये तो मैं अपनी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, वरना मुझे आपकी समझदारी पर, आपके विजनरी अप्रोच पर, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर इतना भरोसा और विश्वास है कि आप खुद चौकन्ना रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं एक नेक काम करके जाऊँगा, अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करके जाऊँ, ये विनती और ये निवेदन करके जाऊँ, बल्कि ये प्रार्थना करके जाऊँ कि किसी कीमत पर जाट और सिख और ये पंच किसान एकता को कभी कभी कोई दरार न पड़ने दीजिएगा। ये किसान ही इस देश की असल जुबान था, किसान ही इस देश की असल शक्ति थी और शक्ति है और शक्ति रहेगी। इसलिए आप अब सबको अपने साथ लगाए रखिए, खूब चौकन्ना रखिए कि जो दुश्मन है वो हर कीमत पर हमारी सफ़ों में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा। मैं मुस्लिम समाज की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको यकीन दिलाता हूँ कि देश के 25-30 करोड़ मुसलमान, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बार बार आपको बताया, वो सब आपके साथ खड़े हैं, वो सब आपके पीछे खड़े हैं। हम कोई नमाज ऐसी नहीं होती जिसमें आपकी कामयाबी के लिए दुआ न करते हों। जगह जगह दुआएं हो रही हैं, जगह जगह मस्जिदों में, दरगाहों में उस मालिक के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर लोग दुआ भी कर रहे हैं। नौजवान आपके साथ हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लड़के और लड़कियां आपके साथ हैं, और क्या अच्छा हो कि पूरे देश में भी आपके कुछ प्रतिनिधि पूरे देश का दौरा करें। मैं जहाँ जहाँ आपका इस्तकबाल कर सकूँगा खुद करूँगा, वरना हज़ारों लोग आपको अपने इस्तकबाल के लिए तैयार मिलेंगे। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, मैं आप सबकी हिम्मतों को सलाम करते हुए आपकी इजाज़त चाहता हूँ, और अपने थोड़े से कमज़ोर बीमार जो मेरी सेहत का हाल है उसके लिए दुआ की भी प्रार्थना करता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि पूरे देश में इस आंदोलन की आवाज़ लेकर एक एक गांव में मैं खुद जाऊँ, हर दरवाजे पर फ़कीरों की तरह दस्तक दूँ कि अब घर से निकलो, अब घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब भारत की तकदीर के बदलने का वक्त है, और भारत की तकदीर बदलेगी तो विश्व की भी तकदीर बदलेगी। इन उम्मीदों के साथ मैं आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अदा करके आपकी इजाज़त चाहता हूँ, आपसे रुख्सत होता हूँ। एक बार फिर मैं आपको सलाम करता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।